हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज है मंडे और हम लोग जा रहे हैं भूल गई थी, हम लोग जा रहे हैं फर्नीचर शॉप पे। एक्चुअली में जो ड्रेसिंग टेबल है उसका जो काम है, हम लोग सोच रहे फर्नीचर का काम ना फैलाएं और देख लेते कोई अच्छी सी ड्रेसिंग टेबल मिल जाती है और उस पर जो लाइट कनेक्शन है वो करा लेते हैं, या फिर जो हमने कुछ देखी है उसके हिसाब से जो ड्रेसिंग टेबल है वो बनने का ऑर्डर दे देते हैं अगर हमें मिल जाता है तो। तो हम लोग जा रहे हैं वही देखने। मैं अभी पी रही हूँ ये जूस, ये है ऑरेंज जूस। मैं इसलिए पी रही हूँ क्योंकि ये बेस्ट है, अभी निकलने से पहले मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी और आज हमें अच्छी कड़कती धूप में ही जाना है। मैंने राजा से बोला कि राजा जूस दे दो, तो राजा ने मुझे जूस दिया है। तो हमने ये रियल के ला के रखे हुए हैं। एक्चुअली में क्या होता है, आपको खुद घर में बनाना चाहिए वैसे, बट हमेशा टाइम नहीं मिल पाता है, तो बेस्ट है कि आप रियल के या जो भी आपको अच्छे देते हैं। आई थिंक पतंजलि के भी बहुत बिकते हैं। पतंजलि का मैंने पिया नहीं है कभी, पर मैंने सुना है। मैं जब भी पतंजलि लेने गई हूँ यहाँ पे, इतनी बार नहीं गई हूँ, दो बार गई होंगी, सच बता रही हूँ, दो बार गई होंगी, इस टाइम नहीं, पिछले साल गई थी। तो मुझे जो पतंजलि के जूस थे वो नहीं मिले थे, उन्होंने बोला कि वो बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, तो मुझे नहीं मालूम, पर मैंने सुना है कि वो अच्छे हैं। तो ये रियल वाला है, तो मैं ये पी रही हूँ। उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। राजा जो है वो थोड़ा सा ऑफिस का जो काम है वो निपटा रहे हैं। एक्चुअली में हम लोग का आज कोई प्लान नहीं था, बट आज राजा लाइट लेने चले गए थे। उसके बाद फिर ने बोला कि आज मैं क्या करता हूँ, आज जो ऑफिस है मैं नहीं जाता और जो और एक्स्ट्रा काम पड़ा हुआ वो कर लेता हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है, फिर ये पूरे हफ्ते फिर बिजी हो जाएंगे, तो बेटर है। ने बोला कि अभी जो काम है हम लोग देख लेते हैं चल के। तो हम लोग ने डिसाइड किया, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं। राजा चले, काम कर रहे हैं अभी, एक मिनट। तो अभी कुछ काम कर रहे हैं तो मैं तब तक यहाँ बैठी हूँ, मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। मेरे को लगा कि चलो व्लॉग जो है वो शुरू कर लेते हैं। तो एक्चुअली में क्या है, मुझे आना भी पड़ेगा, मेरा जो व्लॉग है वो एडिट नहीं हुआ है, जो आज जाना है। तो हम लोग आ जाएंगे अराउंड 8, हाँ 7-8 बजे तक हम लोग वापस आ जाएंगे, क्योंकि मुझे ब्लॉग भी एडिट करना है, मेरा ब्लॉग पड़ा हुआ है। सो गाइस, चलिए राजा का मैं वेट करती हूँ, कितनी देर में आते हैं ये, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो हम लोग निकल गए हैं कहाँ राजा? सोनम मार्केटिंग। हम लोग जा रहे हैं सोनम मार्केटिंग, तो ये हमारे घर के ही पास है, तो पहले हम सोच रहे हैं कि यहाँ जाके देखते हैं और उसके बाद अगर यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो फिर खंडेल वाल है, यहाँ पे बहुत सारे खंडेल वाल्स, खंडेल वाल्स, खंडेल वाल्स, हाँ। तो वहाँ पे पता क्या है, कहीं कहीं इतना किफायती रेट मिलता है और कहीं पे इतना एक्सपेंसिव है ना, मॉल्स बने हुए हैं उनके, पर मेरे को लगता है जो एक्सपेंसिव वाले हैं उनका एक 4 मंजिल के मॉल में वहां आग भी लग गई थी एक बार, तुम्हें याद है हम लोगों को, पर पता है शायद जो एक्सपेंसिव वाले हैं ना उनका फर्नीचर क्वालिटी बहुत अच्छी है, हाँ, है ना, क्वालिटी बहुत अमेजिंग अलग है। हम लोग का ये खंडेलवाल का ये बेड ना, हाँ। है ना, क्वालिटी अच्छी रहती है इन लोगों की, महंगा मिलता है पर क्वालिटी अच्छी रहती है, सोनम वाले से ही मैंने जो आप मेरे से पूछ रहे थे जो मेकअप किस में रखा हुआ है मेरा, हाँ सेंटर टेबल भी सोनम मार्केट से नहीं लिया हमारा, और सोफे नहीं लिए यहाँ से। हमारा जो मैक्सिमम सामान है वो राजा के ऑफिस का भी सामान है और सोनम मार्केटिंग का, मतलब हम लोग यहाँ जो मैक्सिमम सामान आता है सोनम मार्केटिंग से। आगे है ये और अब हम लोग चलते हैं अंदर। यहाँ पे एक अंकल हैं जिन्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वो जानते हैं हमें हमारे हिसाब को सामान दे देंगे, नंदू अंकल हमें बता रहे हैं ना कि हम, और टेबल भी यहाँ से लिया, वो जो यूटिलिटी बॉक्स था वो नील कमल का है जो मेकअप वाला है वो भी यहाँ से लिया था, 1700 का था ना, एकदम 1700 का, 17 ऑरेंज था, बिक गया वो। ये पता है बैठने में ना टाइट है ना? बहुत अच्छा था। नहीं ये नहीं था, ऑरेंज था। Thank you.
मैं करूँ भी तो नहीं ना, बैठ जाओ। तो हम लोग सोनम मार्केट मार्केटिंग से आ गए हैं। वहाँ पे ड्रेसिंग टेबल के नाम पे कुछ भी नहीं था इतना खास, तो वहाँ पर टीवी कैबिनेट बहुत प्यारे थे, हमने पसंद भी कर लिए। अब थोड़ा घर में जाके नापते हैं हम लोग कि किस ढंग से लगेगा। अगर वो घर में एडजस्ट हो जाते हैं, कौन है, तो अगर वो घर में एडजस्ट हो जाते हैं तो हम ले लेंगे। तो वो देख लिए हमने, क्योंकि बनवाना हम लोग सोच रहे हैं फर्नीचर का आप घर में बनवा लो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने बोला एक काम करते हैं, हम एक दो मॉल्स हैं यहाँ पे फर्नीचर के, वहाँ पे जाके देख लेते हैं। अगर वहाँ पे मिल जाता है ठीक है, फिर तो ऑप्शन ही नहीं बचेगा, तो देखते हैं। सो गाइस, हम लोग आ गए थे, राजा आते ही ऑफिस चले गए, उन्हें ऑफिस का कुछ काम करना था तो वो ऑफिस चले गए। आते ही मतलब वो नीचे से ही चले गए, ऊपर नहीं आए। मैंने आके ऊपर लॉक खोला है और फिर मैं आई हूँ, मैं लेटी हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं मैं कितना काम करके आई हूँ। मेरा जो पैर है ना, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं नाच, जिसके आप नाच लेते हो ना बहुत टाइम तक, या किसी पब में चले जाते हो या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, उसके बाद आपकी फ़ीट में पेन होना शुरू हो जाता है। तो मैं चल भी रही थी, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तो क्या हुआ, हम लोगों ने एक टेबल देखी थी, अपनी ड्रेसिंग टेबल देखी हुई वाइट में, वो 16,000 की थी, जिसमें बल्ब भी अटैच नहीं थे और उसमें कोई स्टोरेज नहीं थी मेकअप के लिए। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत छोटी सी टेबल थी, वो 16,000 की थी और वो वही मॉल था। जो हम झूला पहले शॉप पे देख के आए थे वो 10,000 का था, वही सेम झूला वहाँ पे 16,000 का था, एक था 17,000। टीवी कैबिनेट जो हम देख के आए थे वो 11,000 का था फर्स्ट शॉप पे, और सेम टीवी कैबिनेट उसके पास 25,000 का था। तो आपको पता है इतना डिफरेंस रहता है एक मॉल में और एक ऐसी शॉप में जाने में। तो वो 15-16,000 की टेबल थी। उसके बाद फिर हम लोग ने एक और के यहाँ पे गए, हम लोग मतलब तीन जगह गए हम। फिर से हमने बात करी तो उसने हमसे कहा कि वो बना के देगा 5,500 में, पर हमें ये नहीं मालूम है कि वो क्या सनमाइका क्या लगाएगा। तो उसने बोला आप ऑर्डर दे जाओ, तो फिर हम लोगों को लगा देते हैं ऑर्डर, फिर हम लोगों को लगा रहन दो अभी नहीं देते क्योंकि हमारे पास सोचने का टाइम था। फिर हम लोग आ गए, मतलब जाना जो था वो टोटल फेल हो गया, बट फेल भी नहीं हुआ क्योंकि हमें पता चल गया कि वो चीज़ रेडीमेड नहीं मिल रही, हमें बनवानी पड़ेगी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अभी तो पेंट होगा और थोड़ा काम है वो तो होता रहेगा, तो क्योंकि हम फटाफट पता चला जल्दबाजी में हम कुछ भी अनशर्ट उठवा दें या कुछ भी बनवा लें, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम 2-3 दिन लेते हैं, उसके हिसाब से सोचते हैं कि करना क्या है, बनवाना है या क्या करना है। क्योंकि पता है जब आप कुछ भी करवाते हो ना तो 10 चीज़ें दिमाग में चलती रहती है, और जब तक वो रूम निपट नहीं जाएगा ना तब तक खर्चा लगा रहेगा क्योंकि आपके हर दिन काफ़ी अच्छे खासे पैसे जाते हैं। तो जितना भी रहेगा मैं इस बार आपको एस्टिमेट बता दूंगी। हॉल का एस्टिमेट आई थिंक, स्पीकर हमने अलग से लिए थे तो वो आप लोग एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है। हमने मैट भी लगवाई थी वो भी आप एक्सक्लूड कर सकते हो, वॉलपेपर लगवाया था वो भी एक्सक्लूड कर सकते हो, बट अगर पीओपी के साथ लेके रखा जाए हमारे हॉल को तो वो हमें 45-50,000 का पड़ा था, क्योंकि लाइट्स उसमें 20,000 की थी, फिर जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है उसमें रॉड्स और जो सामान वगैरह आया वो टोटल एस्टिमेट हमें 45-50,000 पड़ा था, एकदम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लाइट वाइट सब मिला के। उसके बाद फिर पेंट अलग हुआ है उसमें, और उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ था, आई थिंक पीओपी क्या बोलते हैं, पुट्टी हुई। फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ पे पुट्टी भी नहीं थी तो बेडरूम में हमने करा ली, किचन में हमने पुट्टी करा ली, मतलब हम धीरे धीरे काम करते रहते हैं, हर एक साथ नहीं करते, धीरे धीरे निपटाते। उसके बाद फिर मैट में हमारे लगे थे आई थिंक 2,500-3,000 लगे थे, चिपकाई या बनवाने का या सब कुछ जो इतना कभी, आई थिंक मैट ही काफ़ी महंगा आया था। फिर उसका जो भी सेंटीमीटर रहता है उसके हिसाब से होता है, अगर आपका फ्लोर अच्छा है तो आपको ऑब्वियसली मैट की ज़रूरत नहीं है। और क्या लाइट्स हैं उस पर आप बचा सकते हैं पैसे, बट मैं आप लोगों को एडवाइस देती हूँ
हम लोग के हॉल को बने हुए 1 साल 2 महीने 3 महीने हो गए हैं, बट अगर आप अच्छी लाइट्स लेते हैं, तो कहते हैं ना सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार, तो वहाँ की जो लाइट है वो टचवुड ख़राब नहीं होती, आपकी जो लाइट रहती है वो वारंटी में रहती है और जो लाइट्स हैं एक्सचेंजेबल रहती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम हमेशा जो लाइट्स है कितने की भी आ रही है, जो सबसे महंगी जिसमें वारंटी ज़्यादा है वो वाली लाइट लेते हैं, कि इनकेस वो ख़राब भी होती है तो वो एक्सचेंज हो जाती है, वरना सस्ती लाइट भी आपको मिल जाएगी बट वो ख़राब होगी, फिर आप चेंज कराओगे, सोचिए बीच बीच में वो झंझट नहीं पलेगा आपका, तो एक बार में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अब इस रूम की जो भी कॉस्टिंग आएगी मैं आपको बता दूंगी, कि इनकेस अगर किसी को बनवाना हो तो बनवा सकते हैं। सो गाइस मेरी जो चाय है वो मैं लेके आती हूँ और उसके बाद फिर हम जो ब्लॉग है वो कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने कपड़े जो है वो चेंज कर लिए, वो थोड़ा सा फुल भी था और लूज भी नहीं था इतना। तो अब मैं आई हूँ खाना बनाने, तो मैंने ये जो है ये दोपहर में बना के रख ली थी और उसके बाद मैंने इसे फ्रिज में डाल दिया, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी हो रही है कुछ भी खराब हो जाता है, और उसके बाद फिर मैंने दोबारा निकाला और इसमें डाला और गर्म कर दिया। उसके बाद फिर हम लोग गए थे लाइट्स लेने दोबारा, तो आए और जो लाइट है वो नहीं मिली। राजा क्या चेंज 9 इंच का कन्फ्यूजन है ना, तो 6 इंच और 9 इंच का कन्फ्यूजन था एक्चुअली में, हमें 9 इंच ही काटेगा, हम 6 इंच की लगवाने वाले हैं। तो जो कहते हैं लाइट का जो साँचा उसके हिसाब से काटना है, बट हमारे पास वो लाइट नहीं है, तो कल उसे कुछ बताना पड़ेगा, उसके बाद वो होगा। तो आज पता है मेरे साथ कुछ बहुत ही अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, तो मैं कार में बैठी, पता नहीं मेरे को गर्मी चढ़ गई है, मेरे को सीरियसली गर्मी चढ़ गई, मुझे हीट स्ट्रोक्स आ रहे हैं। तो एक्चुअली में क्या हुआ, मैं कार में बैठी और मुझे ऐसा लगा कि कुछ हुआ मुझे, और एकदम से मैंने ना ऐसा लगा कि मुझे यहाँ पे कुछ हुआ नाक के अंदर, फिर मैंने सिर्फ ऐसे किया है, ऐसे हाथ रखा है और मुझे लगा कि कुछ हो रहा है, मुझे कुछ सीरियसली मुझे कुछ हो रहा है, मैं ऐसे बता रही हूँ कि मुझे फील हो रहा था कुछ हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, मैंने मिरर चेक किया, मुझे मिरर में ऐसा लगा कि यार कुछ लगा है यहाँ पे बहुत ही ग्रोस है बता रही हूँ मैं आपको। तो फिर मेरे को लाल लाल दिख रहा था, मेरे को लग रहा था कि पता नहीं यार मैंने पिंक लिपस्टिक लगा के रखी है, ये खून टाइप का क्यों दिख रहा है। फिर मैंने लाइट जलाई और देखा तो मुझे हल्की सी ब्लीडिंग हुई नाक से, फिर मैंने बोला राजा यार पता नहीं, फिर राजा ने बोला चलो डॉक्टर के पास, राजा को तो कुछ भी होता है ना छोटा सा भी, तो राजा तैयार रहते, बोलते चलो डॉक्टर के पास पता नहीं क्या हुआ, तुम गूगल सर्च करो, तुम यूट्यूब चेक करो, कुछ चेक करो तुम्हें नोज से ब्लीडिंग क्यों हो रही है। मैंने बोला हो सकती है मुझे गर्मी का स्ट्रोक चढ़ाओ, एक्चुअली मैं कई बार ठंड में भी हो जाती है, बोला कुछ नहीं है नॉर्मल है। उसके बाद फिर जो ब्लीडिंग थी वो ऐसी सीवियर ब्लीडिंग नहीं हुई, जस्ट ऐसा लगा जस्ट 2 से 3 ड्रॉप थी, ज़्यादा कुछ था नहीं। फिर मैंने बोला यार ठीक है कुछ कुछ होता ही रहता है कभी ना कभी, मतलब शायद गर्मी चढ़ गई। उसके बाद फिर जो नाक से ब्लीडिंग थी वो ऐसी हुई नहीं मुझे, तो मुझे दूसरी बार हुई, एक बार और हुई थी आई थिंक, हुई थी बीच में वो गंदी ब्लीडिंग हुई थी मुझे, मेरे को लगा पता नहीं क्या हुआ। सो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं बना रही हूँ पूरी, क्योंकि जो पूरी है वो कटहल के साथ बहुत यमी लगती है, पूरी के बिना कटहल अधूरा रहता है, अदरवाइज चावल और कटहल भी अच्छे लगते हैं, बट पूरी इज ऑसम, पूरी ऑसम लगती है। अपने ऑफिस में शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ था, यही था ना। सो गाइस मैंने खाना बनाया, हम लोग खाना खा के जस्ट लेटे थे, तो जो एसी था वो हल्का सा फ्लक्चुएट हुआ, तो एसी बंद कर दिया। उसके बाद जो बेडरूम की ट्यूबलाइट थी वो ऐसे ऐसे से लाइक ब्लिंक 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 हो रही थी। उसके बाद जो राजा है वो गूगल को लेके गए बाहर और उन्हें मुझे आवाज़ लगाई एकदम से कि आओ आओ, मैंने ना एसी बंद कर दिया था, तब तक मेरे को लगा लाइट फ्लक्चुएट हो रही है। तो अभी क्या है, जो हम लोग का मीटर है जहाँ से रीडिंग लेते हैं और जहाँ से लाइट आई थिंक कनेक्टेड है वहीं से होगी, हाँ मैं तो बेवकूफ़ हूँ, हाँ। तो जो हम लोग का मीटर है उसमें आग लग रही है, तो हमने जो मेन यहाँ से स्विच था यहाँ से वो ऑफ किया है, और अभी जो है लाइट नहीं है, ये इन्वर्टर से चल रहा है और सिर्फ फैन चलेगा बेडरूम का और कुछ भी नहीं चलेगा। तो हम लोगों को वही लग रहा है कि रात कैसे सोएंगे, या फिर हम एक बार जला के देखते हैं कि फिर से आग लग रही है नहीं लग रही, जला के देखें या फिर से, तो उसमें से आग मतलब वो जो मीटर है वो जल रहा है। तो पिछली बार क्या हुआ था इनके ऑफिस में 2017 में शॉर्ट सर्किट ही था, जिससे जो ऑफिस था उसमें आग लग गई थी, तो हम रिस्क नहीं ले सकते, एक बार ऑन करके देखेंगे। राजा पर हम ऑन करते कुछ नहीं होता, रात रात में कुछ हो जाए तो। एक यहाँ पे कुछ लगा हुआ है,
अब वो कुछ लगा हुआ है, वो मीटर नहीं है, लाइट नहीं है, तो वो मीटर नहीं है, उसमें आईसी बोलते हैं इसे, हाँ आईसी बोलते हैं ना, इसमें आईसी और मेन वो है पावर कंट्रोल, मतलब बंद करने वाला, और ऊपर नीचे करके बेडरूम वेडरूम की लाइट है जो बंद हो जाती है। मुझे क्या हुआ है ये, मुझे कहाँ से खून आता रहता है यार, लाल लाल क्या है, एक सेकंड मैं देख रही हूँ। तो वो कंट्रोल करने के लिए, मतलब यहाँ से प्लग वगैरह वो बंद हो जाते हैं, उसके जो मेन मीटर है जहाँ पे आग लग रही थी वो, ये आपको दिख रहा है एक छोटा सा, ये वहाँ पे लग रही है आग, तो नीचे से आग निकल रही थी उसमें से, पता नहीं कौन सा वायर शॉर्ट सर्किट हुआ है और क्या हुआ है। तो अभी जो इलेक्ट्रीशियन है वो तो सुबह ही आ पाएगा क्योंकि रात हो रही है और काफ़ी डेंजरस हो गया वैसे ये। अपडेट देती हूँ मैं आप लोगों को, तो हम लोगों ने दोबारा ऑन किया था, तो आपको छोटी सी क्लिप देखी होगी, हमने जल्दी से बंद किया है, तो जो आग है वो लग रही है। अब मैं बताऊँ, भगवान जी की नज़र भी सीधी थी, अब कैसे वो ही बताती हूँ। तो एक्चुअली में क्या हुआ है, राजा यहाँ से जस्ट निकले ही थे और गूगल को लेके गए हैं वो बाहर, इतनी देर में जो लाइट है वो फ्लक्चुएट हुई है और इन बाई चांस वो बाहर थे, अगर वो नहीं होते तो ये मीटर देखते यहाँ पे आग लग जाती, ये यहाँ से बालकनी से होके पूरा इंटरनल शॉर्ट सर्किट हो जाता, घर में आग लग जाती। बट कहते हैं ना नज़र सीधी थी तो वो अच्छा हुआ। तो हम लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि हमें दूसरी बार जलाया तो आगे निकल रही थी, तो हम लोगों ने MP वालों को फ़ोन किया क्योंकि एकदम से इनको याद आया कि बिल में कुछ मीटर मेंटेनेंस का कुछ चार्जेस भी रहते हैं। हाँ, तो इनको याद आ गया, तो इनने बोला कि मैं कॉल करके देखता हूँ, इनने कॉल किया वरना हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। हमने कॉल किया है, हमने कंप्लेन लॉक कराई है और अभी 2 घंटे हो रहे हैं और टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो गया, 2 घंटे हो गए हम उन लोगों का वेट ही कर रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं रात के, और वो लोग जब तक नहीं आ जाते क्योंकि कंप्लेन जो है वो लॉक करा के रखी, तब तक हम लोग बैठे हुए हैं, 2 घंटे हो गए हमें वेट करते करते, पता नहीं कितनी देर में आएंगे। एक्चुअली में अभी मैंने उन्हें फोन भी किया था तो उन्होंने बोला मयंक सिंह जी के नाम से, उन्हें याद है कि किसके, उन्होंने बोला पता करके बताते हैं, रात का समय है ना, सो रहे होंगे उनके, हाँ वो लोग सो रहे होंगे, तो कम से कम ये है कि वो लोग आने को तैयार हो गए। हम कैसे सोएंगे गर्मी में, हम सोएंगे कहाँ, वो अगर तुम लेट जाते हो वो लोग तो आएंगे ही आएंगे, वो तो आएंगे, हाँ फिर कौन, मैं जाऊंगी अभी रात में तो कराना पड़ेगा, हाँ तो फिर वो जाके होगा। अब कम से कम ये है कि वो नीचे के नीचे, अब कितना टाइम लगता है, क्या लगता है, क्या हुआ है, पानी वानी भर रहा है, यही होता है, देखो नीचे की चाबी देके नहीं रखी है, अब नीचे की चाबी नहीं है हम लोग के पास, क्या करना चाह रहे हैं, अभी गुस्सा आ रहा है, सीरियसली गुस्सा आ रहा है। एक्चुअली में पता है चाबी थी हम लोगों के पास, उसके बाद हम लोगों ने मांगी भी है, अब बताइए आपको पानी नहीं है हम लोगों के पास पीने का, पानी नहीं है बताओ, और हमें नहीं मालूम तो एक्चुअली में क्या होता है, हमारी 2 बार बॉटल भरती है, सबकी भी 2 बार ही भरती होगी, तो एक सुबह एक शाम, तो इन लोगों को हमने अपना पानी दे दिया और हम लोगों के पास 1 बॉटल पानी है 1 लीटर, तो गर्म पानी है, और मैंने फ्रिज भी ऑफ करके रखा है, सब कुछ ऑफ करके रखा है क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता था। तो एक्चुअली में अगर चाबी रहती तो नीचे से मोटर ऑन हो जाती, सोने के लिए जुगाड़ हो जाता, बहुत सारी चीज़ हो जाती, अभी फिलहाल तो गुस्सा ही आ रहा है क्योंकि होता है कई बार, क्योंकि हमेशा हमारे पास चाबी रहती थी और जब से वो शादी वाला वो हुआ, जब से उन्होंने हम लोगों को मना किया कि शादी में मत आना, तब से उन्होंने चाबी भी ले ली, तो कई बार इन चीज़ों के लिए फ्रस्ट्रेशन होती है कि एक बच्चे के लिए दूसरे बच्चे का साथ ये हो। नीचे 3 फेस है, तो किसी भी फेस में लाइट आती है तो नीचे लाइट ही आती है, इसलिए हम लोगों ने इन्वर्टर लगा के रखा हुआ यहाँ पे, बट उस टाइम इन्वर्टर नहीं, एक्चुअली पता है अभी दिमाग सही में खराब हो रहा है, हम लोग के पास पानी ही नहीं है पीने के लिए, बाजू वाले कब काम आएंगे, अगर हो सकता है प्याज को पानी पिला दें, 3:30 बजे किसका दरवाजा खटकाओगे, पानी का खटकाऊंगा, बिजली लेके आऊंगा जाके कहीं से, 3:30 बजे तो मैं दुकान है, कार में पड़ी होगी बोतल, गर्म पानी को छुट्टे लेके कंफर्म दिन की पड़ी होगी, सर में पता प्यास लग रही है, हम लोग रात ही को भरते हैं, ऐसा क्या होता है खाने वाने में यूज हो जाता है, और कभी पता है इस बार पानी यूज ज्यादा हो रहा है, जितना ही बॉटल भरो उतना पानी, मैं आजकल पानी ज्यादा पीती हूँ, लेकिन बहुत गलत हो रहा है। बात यह है कि घर एक ही है और एक्चुअली में कभी भी हम लोग की कितनी भी लड़ाई हुई, कुछ भी हुई, इनकी कुछ भी हुई, कभी भी चाबी नहीं वो की गई, मतलब चाबी वाला इशू कभी नहीं आया, वो सिर्फ कहते हैं ना भड़काऊ गिरी में जो भड़काया भड़काया, एक्चुअली में पता नहीं क्या उनके दिमाग में भर दिया गया ऐसा, मेरे को वही समझ में नहीं आ रही, देखा ये होता है कम्युनिकेशन गैप, अपना सिस्टर से ही अपना जब बहस हुई थी उसके बाद इनसे कोई बात नहीं हुई, शादी में यहाँ पे घर का प्रोग्राम, जिस दिन घर का प्रोग्राम हुआ था यहाँ पे रेस्टोरेंट, यही था पासी में बुलाया था, पूरा पूरा मोहल्ला गया था, इनके सारे फ्रेंड्स आए थे, दोस्त, मतलब
क्योंकि यहाँ पर रिसेप्शन टाइप का ही था वो, क्योंकि यहाँ इंदौर में शादी थी, शादी इंदौर में थी, वहाँ अलग हुआ, यहाँ के लोगों को वहाँ बुलाया गया था। और मेनली मेरे को छोड़ो, मेरे से दिक्कत थी ना, मैं क्यों जाती नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोला जाता है, मेरे से दिक्कत थी ना, इनसे क्या दिक्कत है उनको, इनसे कोई दिक्कत नहीं है, इनसे कभी भी मम्मी की बहस नहीं हुई। उस टाइम पता है क्या हुआ था, मैं हम लोग चाय की टपरी पे जाते हैं जिस दिन शादी हुई थी, अब देखिए बात नहीं करी थी मैंने आई थिंक इस बारे चाय में, की टपरी टपरी बोलते उसे, तो क्या हुआ था यहाँ के पूरा मोहल्ला गया था, पासी में होटल था, वहाँ पे रिसेप्शन टाइप का इन लोगों ने दिया था। उस टाइम सुंदरकांड था, तो मैंने अपनी मम्मी से ही बात करी थी, तो मेरी मम्मी ने बोला कि किसी का दिल दुखा के कोई सुंदरकांड या पूजा वगैरह कर रहा है तो वो चीजें सफल नहीं होती है, क्योंकि घर के बच्चों को नहीं बुलाया, मेरी पूरी फैमिली वालों को बहुत बुरा लगा था। बुलाने वाली क्या बात थी, हम लोग तो, अरे हम बात बुला, अब आप लोग बोलेंगे कि आपका घर है तो आपको खुद चले जाना था, तो बात ये थी कि उन्होंने मना कर दिया, कोई आपको मुंह पे बोल देता है कि आपको आने की जरूरत नहीं है, हाँ कोई कुछ नहीं बोलता तो आप चले जाओगे, बट कोई आपको मुंह पे बोलते हो, इनके बोला था, बहन ने बोल दिया था, लेकिन फिर मैंने उनको बताया तो उनको बोलना चाहिए था ना कि तू होती कौन है मना करने वाली। हाँ, मतलब उन लोगों का अगर मेरे पास टाइम कमेंट आया था कि आप ही का घर है, आप लोग को चले जाना था, तो आपके अगर कोई मुंह पे मना कर देता है उसके बाद आप चले जाते हो और आपकी वहां पे जाके कोई बेइज्जती कर दे सबके सामने कि आया कैसे, हम तो बुलाया ही था और हमने तो मना किया था, तो इसीलिए हम लोग नहीं गए। उसके बाद जिस दिन शादी थी तो इनकी बुआ है जो उन्हें लाइव फेसबुक से वो लाइव आई थी, ताकि जो बच्चे हैं घर के और बच्चे में सिर्फ हम लोग नहीं गए थे, देख ले पूरे खान फैमिली में, पूरी मम्मी के साइड के, पापा के साइड के, हर कोई मोहल्ले वाले थे, मोहल्ले वाले तक थे इंदौर में, हम दोनों को छोड़। हाँ, तो उन्हें लाइव करी थी वो बुआ, जो इनकी बुआ है, ये बोल के कि बहू बेटा देख लेंगे, क्योंकि हम ही लोग ही थे वहाँ पे जो नहीं गए थे। उसके बाद क्या हुआ, टपरी पे थे, मेरे को याद है, राजा टपरी मत बोल, टपरा कोई टपरा नहीं होता है अपना, अच्छा चाय का स्टॉल, स्टॉल होता है, चाय का स्टॉल, ओके हाँ ठीक, अच्छा लगता है टपरी मेरे को बड़ा मजा आता है टपरी बोलने में, तो वो टी स्टॉल था, तो मेरे को आज तक याद है राजा के ऐसे आंसू बह रहे थे वहाँ पे, राजा को देख के मुझे आंसू आ गए थे, अब सामने वीडियो आ रहा लाइव सब। हाँ, उसके बाद से उससे पहले चाबी ले ली गई थी, किसी बहाने से ही ली थी वो चाबी, और उसके बाद जो भी मैंने आपको बताया था कि वो चाबी लाना भूल गए, उसके बाद हमने मांगी भी थी, तो वो चाबी उनकी वहीं पे रखी थी, वो ढिंडोरी MP में रहते हैं, तो उनकी चाबी वहाँ छोड़ा है, तो उसके बाद से बात हुई नहीं, और चाबी थी नहीं उनने, तो ये बातें, तो बात ये होती है कि कुछ बातें भूलने को भी आते हैं ना, हम लोग तो भूल नहीं जाते, भूलने वाली कोई बात ही नहीं है ये, हमें हमारी जगह राजा उस दिन इमोशनल हो रहे थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, कोई भी होता, बात शादी की बात तो दूर की बात, आपको पता है बातें हमेशा के लिए हो गई, शादी तो बहुत दूर की बात है, शादी तो बाद में हुई, जो घर में प्रोग्राम हुआ था वहीं पे बात फाइनल हो गई थी कि इनका दोनों बच्चों में से ज्यादा एक बच्चा प्यारा है। क्या होती है ये जो बातें है ना, ये हमेशा के लिए हो गई, एक्चुअली में क्या होता है, आगे चल के मेरे बच्चे भी होंगे, आगे चल के उनके ही बच्चे होंगे, मेरे पास ये पता होगा, मुझे ये पता है कि जब मेरे बच्चे मेरी शादी के एल्बम देखेंगे तो इनकी बहन आई है, मतलब उनकी बुआ है, जब उनके बच्चे देखेंगे तो ये होगा कि आपके क्या लगते हैं उनके बच्चों के क्या लगेंगे, मामा मामी क्यों नहीं आए थे, तो आपको पता है बहुत सारी चीजें आगे चल के मन में बैठने वाली है। कहते हैं एक चीज जो लाइफ टाइम के लिए नहीं होनी चाहिए वो होता है एक शादी का ओकेजन या कुछ भी, अगर सुख है या दुख है तो वो सबसे बड़ा लाइफ, शायद कुछ नॉर्मल चीज़ें होती ना तो वो भूली जा सकती थी, और ये जो चीज़ें हैं ना जिसमें डायरेक्टली मना कर दिया जाता है उसके बाद आपको ऐसा फील कराया जाता है, बस चीज़ें थी पता नहीं कहाँ से निकल गए एकदम से, सो सॉरी, बस जो चीज़ें थी मैंने शेयर करी, जो मन में था वो शेयर किया। सो गाइस अभी जो है ना वो लोग आ गए हैं, तो चलिए चल के देखते हैं कि हो क्या रहा है। तुम दूर आओ, मेरे को डर लगती है। अरे वो छू के पकड़ के उसने टेप लगा दिया, अब क्या करूंगा इसे। तो वो लोग करके चले गए हैं लाइट ठीक, और मच्छर बहुत है, ये अगरबत्ती लगा ली है। हाँ, ऑल आउट पता नहीं बहुत ज्यादा मच्छर हो गए घर में, गेट्स खुले हो, गेट्स खुले, जल्दी काम नहीं करते, मुझे तो बड़ा ही मजा आ रहा था जब राजा बोल रहे थे टपरी नहीं, टी स्टॉल बोल, टपरी नहीं, मेरे को टपरी बोलने बड़ा मजा आता। तो लाइट जो है वो ठीक हो गई है, एल्यूमिनियम वायर लगी हुई है, वो कह रहे हैं कि कॉपर वायर का कनेक्शन कराओ, तो हम एक दो दिन के अंदर कराते हैं, क्योंकि दोबारा से पुराना हो गया, 200 साल पुराना घर है हमारा, 200 साल नहीं, अंग्रेजों के समय का घर है यहाँ पे, अगर 26
26 साल पुराना घर होगा। यह अंग्रेजों के समय का घर है, अंग्रेज का जो वो था सबसे बड़ा वो इसी घर में रहता था। तो 26 साल पुराना घर है और हाँ, अंग्रेजों के जमाने के जेलर है। हाँ, और कुछ लोगों के पता ये कमेंट भी आते हैं कि ऐसा है तो आप घर क्यों नहीं छोड़ देते। एक पसंद आया है 3 BHK, 1 crore का आ रहा है, थोड़ा कंट्रीब्यूट करें तो ले आएंगे हम, ले लेंगे हम हैं। तो ऐसे घर छोड़ा नहीं जाता है, बहुत आसान चीज नहीं होती है क्या करोड़ का। आप हम लोगों की तरह हैं और आपके साथ कोई नहीं है, तो एक चीज याद रखिए कि एक दूसरे को पति पत्नी 100% दे। चलो प्यार बांटते, प्यार बांटते चलो, और अगर आप लोग हम लोग की तरह अकेले तो आप लोग के पास एक बहुत अच्छा तरीका रहने का, वो है कि आप एक दूसरे को 100% प्यार दो, हर किसी का प्यार दो। लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखना, वो ये है कि आप अकेले आते हो, आप अकेले जाते हो, ये चीजें बहुत बोलने वाली नहीं, ये चीजें फॉलो करके देखिएगा। आप अकेले आते हो, अकेले जाते हो, आपके साथ लाइफ में जो जो मिलते हैं ना आप लोगों को, वो सिर्फ आपकी लाइफ को एक टाइम के लिए सहारा देने के लिए, आपकी लाइफ में एक टाइम के लिए लोग आते हैं जाते हैं, इन शॉर्ट ये बोला जाता है लोग आते हैं जाते हैं। आप अकेले आए हो, आप अकेले ही जाओगे, इसलिए ज्यादा चीजों को एक्सपेक्ट मत करो। हम लोगों ने बिल्कुल एक्सपेक्टेशन छोड़ दिए किसी से इन फ्यूचर। हाँ, जितनी भी थी इन फ्यूचर प्रेगनेंसी के लिए भी हम लोगों ने ये सोच के रखा है कि जो भी होगा हम दोनों अकेले मेंटेन कर लेंगे। तो हमने हर चीज एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए किसी के लिए भी, और किसी को जरूरत है तो उसके पास जरूर जाइए, कि अगर उससे कभी भी लगता है कोई इंसान तकलीफ में है तो जरूर जाइए। उस टाइम पे वो चीजें याद मत करिए जो गलत हुई हैं आपके साथ। तो ये सब चीजें जो छोटी छोटी आपको फॉलो करनी है और आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। बस आए ना आए आपकी तकलीफ, आप जरूर जाइए, बस ये चीज याद रखिए, अपना भूल जाइए। हाँ, तब उस टाइम पे आप भूल जाइए कि आपके साथ वो चीज अलग होती है, वो चीज अलग होती है कि हाँ किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है तो अलग बात है। हाँ, ये नहीं कि वो इंसान सिर्फ पता चला है किसी की शादी हो रही है तो इसलिए आपको फोन करके बुला रहा, तो फिर कोई मतलब नहीं होता ना कि किसी और की शादी के लिए, तो ऑब्वियसली। तो अगर किसी को जरूरत है तो आप जाइए, और हम लोगों ने किसी से भी कोई भी एक्सपेक्टेशन सब छोड़ दिए। मैं सिर्फ पूरी राजा पे डिपेंडेंट हूँ, राजा मुझ पे डिपेंडेंट है। अगर हमारी तबीयत भी खराब होती है तो हम मैगी खा लेते हैं, और हम लोगों की बहुत तबीयत खराब होती है तो हम खाना ही मंगा लेते हैं बाहर से, क्या करें अब, बाहर का खाना खाने से ही बीमार। जोमैटो, स्विगी, जिंदाबाद। हाँ, जो भी है, पर तबीयत खराब होने में बाहर का नहीं खाना चाहिए, बट ऐसा होता है कई बार। मैंने बासी दाल जो दोपहर की बनी रहती है वो रात में भी दे देती हूँ, तो ये आराम से खा लेते। तो चीजें जो है वो खाने से तो बताओ कोई वो कोई नहीं है, तो पता क्या होता है, कोई डिमांड नहीं होती खाने की। आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो ये सब चीजें फॉलो करिए और आपकी लाइफ जन्नत हो जाएगी। मैं इसलिए बहुत खुश रहती हूँ, मैं बहुत अभी भी खुश हूँ। कोई नहीं, लाइफ तो आ गई, नहीं है चाबी, वो एक टाइम था जब बहुत बुरा लग रहा था, पर अभी ठीक है। कोई नहीं, नहीं देने मत दो, नहीं चाहिए। लाइफ हो तो ऐसी। हाँ, लाइफ हो तो ऐसी। लाइट आ गई ना, एसी आ जाएगा, बस गर्मी हो रही है, वरना हम पूरी रात बिना लाइट के रह लेते। फैन तो चल ही जाता ना, सोते नहीं रहे। सोते नहीं हम, पता भी कितना टाइम हो रहा है, 4:30 हो रहा है, अब हम लोग जा रहे हैं सोने, और मैं अभी कर रही हूँ इस व्लॉग को एंड। मैंने बहुत पटपट करी है, राजा ने बहुत पटपट करी है, एक्चुअली में जो दिल में आया हम लोगों ने वो बात कर दी आप लोगों से। तो हम लोग एक चीज बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, हम लोग की बातें कभी खत्म नहीं होती, जैसे आपसे बातें कर रहे हैं, हम ऐसे कंटिन्यूअसली 7-8 बजे सुबह तक लगे रहेंगे हम लोग रात को। हम लोग को अपना, हम लोग की बातें, अगर हम लोग फ्री है तो हम लोग की बातें खत्म ही नहीं होती, और ऐसा अभी से नहीं है, 10 साल हो गया, 10 साल हो गया हम लोग की बातें खत्म नहीं होती, और वो आई थिंक कैमरा चालू है इसलिए हम लोग आपसे ही बात करते जा रहे हैं। तो ये होता है कि हम लोग की बातें रात भर चलती है, और अभी मैं कैमरा ऑफ करने के बाद ही बात करते रहेंगे हम लोग। और मैंने बहुत फ्रीली बातें आप लोगों से शेयर करी है, जो दिल में आया उस टाइम बोल दिया। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि मैं ऑफिस में भी जाके, अगर मैं फ्री रहता हूँ तो मैं फोन पे इनसे बात करता रहता हूँ, तो मेरे ऑफिस के आजू बाजू वाले कलीग्स हैं, वो बोलते हैं गर्लफ्रेंड से बात, नहीं तो वो मेरे को चिढ़ाते हैं कि भाभी को बताएंगे कि आप लोग दिन, मतलब तुम दिन भर अपना फोन पे किसी से बात करते रहते हो। मैं तो मैं उसी समय अपना स्पीकर ऑन करके मैं इनकी उनसे बात करा देता हूँ, ऑन करते अपनी फोन का, अरे बैटरी है यार। So guys, चलिए इनकी बात करा देता हूँ मैं फोन पे, तो उनकी वो जाती क्या, चौपसी जाती है। तो एक्चुअली मैं वो लोग गर्लफ्रेंड से बात करती हूँ, उन लोग गर्लफ्रेंड से बात करती हैं क्योंकि उनकी वाइफ मेरा ब्लॉग तो नहीं देखती नहीं। हाँ, सो गाइस चलिए इस ब्लॉग को कर रही हूँ बंद, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं समझती हूँ कल विद न्यू वीडियो। कोई भी नेगेटिव चीजें नहीं बोली, बस जो चीजें मैंने आपको बोली है वो दिल से बोली है, और उसके बाद जो चीजें बताई हैं आप लोगों को एंडिंग में वो चीज फॉलो करिए। बहुत खुश रहिएगा, बाय, लव यू और बाय, गुड नाइट, और सबको रमजान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी रमजान, बाय।